आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हम इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी हमारे तीन वेक्टर हैं, सच डैट कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमारा जीरो के इक्वल है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है। तो बोला है कि वैल्यू बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ये बताओ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडीशन हमें है ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, ये जीरो वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से मैं अगर ए प्लस बी वेक्टर निकालूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो मेरा माइनस सी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे सी प्लस वेक्टर ए निकालूँ तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी के। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू हमें चाहिए था, इसका वैल्यू अपन यहाँ पे रिड्यूस करके लिख सकते हैं, इसके जगह पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के जगह पे मैं वेक्टर सी यूज कर लेता हूँ। तो माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरह से, प्लस ये लिखा हुआ है वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका, इसके जगह पे अपन माइनस बी का यूज कर लेंगे, तो ये माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है। अब देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो ये सिंपली लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसको मैं यहाँ पे स्प्लिट कर लेता हूँ, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बी डॉट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट सी लिखा हुआ है एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे सिंपली अपन देख सकते हैं मेरे को चाहिए बी डॉट सी सिंपली, तो बी डॉट सी हमें चाहिए, और जबकि कंडीशन सिर्फ एक गिवन है ये वाली, तो यहाँ पे अपन कंडीशन का यूज कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें को चाहिए होगी। तो यहाँ पे अपन को और क्या गिवन था, और गिवन था हमें कंडीशन की वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमारा जीरो के इक्वल है, ऐसा कुछ हमें गिवन था। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए के साथ डॉट कर देता है बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो मॉड ए का स्क्वायर निकलेगा वो हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा मॉड ए का स्क्वायर लिखा हुआ था। अगर मैं इसको क्या करता बी से डॉट किया होता तो हमारा क्या आ जाता, मॉड बी का स्क्वायर सिमिलरली, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाता, सिर्फ ये वाला टर्म हमारा रहता, बी का स्क्वायर बनता और ये हमारा उधर चला जाता, तो माइनस ऑफ ए डॉट बी बनता और प्लस ए सॉरी बी डॉट यहाँ पे ए डॉट बी बनता और यहाँ पे बी डॉट सी बन जाता, क्योंकि बी से डॉट किया था अपन ने, तो ये हो जाता बी डॉट सी, ऐसा हो जाता। और अगर मैं सी से डॉट किया होता तो ये हो जाता सी का यानी मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो सी से सी वाला हमारा ये मॉड सी का स्क्वायर बनता और ये ए प्लस बी उधर चला जाता, तो माइनस ऑफ ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी बन जाता, ऐसा हमारा आ जाता, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए था क्या, यहाँ पे बी डॉट सी चाहिए था, तो बी डॉट सी के लिए अपन यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको इससे माइनस कर देता हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ, इसको 4 बोलूँ, तो अपन करने जा रहे हैं 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, तो ये देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो ये ए डॉट बी माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस ए डॉट सी और यहाँ पे प्लस बी डॉट सी बच जाएगा। ओके, अब देखो अपन इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए था वैल्यू यहाँ पे बी डॉट सी की, तो बी डॉट सी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ऐड कर दूंगा किसको, इक्वेशन 5 प्लस 4 को, तो 5 प्लस जब 4 करूँगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा है मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। ओके, अब ऐड किससे कर रहे थे, 4 वाले से, जो कि मॉड सी का स्क्वायर है, तो प्लस मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे हमारा सिंपली सॉरी हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे चाहिए था बी डॉट सी की वैल्यू, तो हमें ए डॉट सी को कैंसिल करना होगा, तो ए डॉट सी को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 5 में माइनस कर दूंगा 4 को, तो हमें माइनस करना होगा, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करो, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5, तो हमारा ये था लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमने जो प्लस लिखा है वहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू माइनस में आ गई, इज इक्वल टू,
अगर मैं यहाँ पे 5 से इसको माइनस कर रहा था तो ये तो प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस ए डॉट सी और ये माइनस ए डॉट सी कैंसिल, तो बचा क्या हमारा बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी, यानी कि टू टाइम्स बी डॉट सी बच गई। तो यहाँ पे देखो बी डॉट सी टू टाइम्स बी डॉट सी की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, और हमें यही चाहिए था टू टाइम्स बी डॉट सी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ओके तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यहाँ पे अब वैल्यू रख देते हैं, तो ये तो पहले से हमारा था सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर यानी कि टू मॉड सी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर पहले से था, ठीक है, और माइनस ऑफ टू टाइम्स दिस की जगह अपन क्या रख देंगे, अब टू टाइम्स दिस की जगह ये टोटल वैल्यू अपन रख देंगे। ओके ये टोटल वैल्यू, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसा कुछ है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये वैल्यू हमने रख दी। अब देखो यहाँ पे हो क्या जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये हमारा आ रहा टू सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, यानी कि थ्री टाइम्स मॉड सी का स्क्वायर आ गया, ये टू टाइम्स बी का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि थ्री टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर आ गया, और ये माइनस मॉड ए का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये देखो सारा का मॉड हमें गिवेन था, ए हमें गिवेन था थ्री, इसका मैग्नीट्यूड फोर और इसका मैग्नीट्यूड फाइव, थ्री फोर फाइव हमें मैग्नीट्यूड गिवेन था, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड तो थ्री था तो ये नाइन हो गया, और ये हमें फोर के इक्वल गिवन था तो 16 इंटू थ्री डेट इज 18 48 सॉरी, तो ये 48 हो गया, प्लस ये हमारा क्या गिवन था 5, तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू थ्री डेट इज 75, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से सॉल्व करो तो वैल्यू हमारी आ रही 114, ठीक है, तो 114 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमसे यही पूछा गया था इसकी वैल्यू, तो 114 है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।